कटिहार के मनिहारी की रहने वाली जीविका दीदी खुशबू कुमारी और उनके पति अवधेश कुमार चौधरी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण मिला है। इस सम्मान से बागमारा पंचायत के गांधी टोला में उत्साह का माहौल है। उधर खुशबू कुमारी ने कहा है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री की तरफ से दावत मिलेगी। खुशबू कुमारी 2014 से जीविका से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पति मजदूरी करते थे और वो भी साथ में काम करती थीं। लेकिन जीविका ने उनकी जिंदगी बदल दी। 30,000 रुपये की सहायता मिलने पर सब्जी बेचने का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और मनिहारी से लेकर अन्य जिलों तक सब्जियों का कारोबार फैल गया। आज खुशबू कुमारी अपने दोनों बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा रही हैं। उन्होंने खुद शादी के बाद 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और आज जीविका कार्यालय में FI हेल्प डेस्क पर 4,400 रुपये प्रतिमाह की नौकरी कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि पर जीविका कर्मी बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको ये मौका मिला जाने का 15 अगस्त को झंडा तोलन में। सौभाग्य की बात है कि बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम 2014 में जीविका में जुड़ने के बाद हम समूह में 10 रुपया बचत करते थे। बचत करते करते जब समूह में आरक की राशि 30,000 प्राप्त हुआ तो हम समूह के बैठक में गए तो दीदी लोग को बताएं और CM दीदी को भी बोलें कि 10,000 का हमको चाहिए लोन के रूप में। तो दीदी बोली, सब दीदी लोग को बोलिए अगर सहसहमति हुए तो आपको 10,000 ऋण प्राप्त हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है, तो दीदी लोग को बताएं तो बोलते ठीक है 10,000 आप ले लीजिए। 10,000 हम लेके वो 10,000 से हम बिजनेस शुरू किए। हम बिजनेस ये किए कि सब्जी 10,000 पे बेकार करते थे। व्यापारी खरीद बिक्री मंडी में जाते थे, 10,000 रुपया लेके बिक्री करते थे। धीरे धीरे हम बिक्री करते करते थोड़ा हमको ज़्यादा आमदनी आया तो आमदनी में हम 10,000 का किस्ती 1,000 पर मंथ जमा कर दिए। जमा करने के बाद तो हमको बहुत और आगे बढ़ गए बिजनेस में, व्यापार में आगे बढ़ गए। तो हम धीरे धीरे जाके फिर 50,000 हमको ज़रूरी पड़ गया। में 50,000 जरूरी पूंजी में जब जरूरी पड़ गया तो फिर हम बचत करने गए समूह में। तो समूह में बताएं कि दीदी हमको 50,000 लोन चाहिए, हमको बहुत ज़रूरी है। तो बोले कि फिर दीदी को मीटिंग किया तो दीदी लोग को बताएं कि पैसा देने का ज़रूरत है। तो दीदी लोग बोले ठीक है, इसका ऋण वापसी अच्छा आ रहा है, इसको देना ज़रूरी है। फिर बैठक में हम गए तो 50,000 हमको प्राप्त हुआ। हम धीरे धीरे फिर बिजनेस शुरू कर दिए तो बिजनेस से हम बहुत अच्छा आगे बढ़ गए। जीविका से जुड़े तो आगे बढ़ने के बाद हमको और कुछ अपना घर से पैसा लगा के मंडी खरीद लिए, हिस्सा उसमें ले लिए। इससे धीरे धीरे व्यापार जहाँ लोकल चल रहा है सब्जी। अपने बच्चे को भी अच्छा शिक्षा? हाँ, बच्चा को हम अच्छा शिक्षा दिए। इंग्लिश स्कूल में 2 बच्चे हैं मेरा, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उसको पर मंथ 10,000 रुपया खर्च होता है, उसको अच्छा से पढ़ा रहा है। और हम अपना FI हेल्प डेस्क में जीविका में काम भी कर रहे हैं। तो जीविका में आने के बाद आप ये कहना चाह रहे हैं आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है? काफ़ी बदलाव है। पहले मजदूरी करते थे, ऑफिस वर्क कर रहे हैं जी, आपके जीवन में सुधार आया है। क्या आपने कभी, जब आप मजदूरी करती थी या जीविका में जीविका, आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से निमंत्रण आएगा और आप झंडोत्तोलन देखने के लिए आप दिल्ली जा पाए? ये तो हम कभी नहीं सोचे थे कि हम मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे, ये तो हम कभी नहीं सोचे थे। पर हम जब जीविका में जुड़े तो हमको सौभाग्य के बात ये हुआ कि हम जीविका में जुड़ के अपना काम भी कर रहे हैं ऑफिस वर्क। और हमें सौभाग्य की बात है कि 15 अगस्त प्रधानमंत्री के 15 अगस्त में हमको बुलावाया और हम